हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है लर्न हिंदी, लेकिन मैंने इसके अंदर बेसिक से इंग्लिश और मैथ की वीडियो भी डाल रखी हैं। तो आप चाहें, अगर आप चाहते हैं सीखना बेसिक से हिंदी या फिर मैथ्स या फिर इंग्लिश, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको डिक्टेशन की कुछ वर्ड्स बोलूंगी जो आपको लिखने हैं। आप कोशिश करें कि आप आवाज सुनकर लिखें और बाद में मेरे, मतलब जो मैंने इसमें लिखकर स्पेलिंग आपको बता रखी है, आप इनके साथ मैच करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने साउंड याद हुए या नहीं। मैं अपने चैनल पर सारे साउंड की वीडियो पहले डाल चुकी हूँ, सारे साउंड और कुछ और अलग से मोर साउंड की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली है। पहले आप साउंड पढ़िए, उनको याद कीजिए, उसके बाद ही आप डिक्टेशन के वर्ड को लिख पाएंगे। आज मैं इस वीडियो में डिक्टेशन के 250 यानी कि 250 वर्ड आपको बोलूंगी और आपको मेरी आवाज सुनकर उनको लिखना है और उसके बाद इनको मिलाना है, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने साउंड याद हुए या नहीं हुए, आप कितना सीख पाए या नहीं सीख पाए, आप कितनी स्पेलिंग सही लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा टेस्ट मान लीजिए आपके लिए है, या डिक्टेशन मान लीजिए, इसमें सभी साउंड के जो वर्ड्स हैं वो मिक्स हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला हमारा वर्ड है रैक। क्या लिखा हुआ है? रैक। दूसरा हमारा वर्ड है हैक। तीसरा हमारा वर्ड है बैक। चौथा हमारा वर्ड है ग्लास। उसके बाद पांचवा हमारा वर्ड है क्लास। छठा हमारा वर्ड है मास। नेक्स्ट केज, पेज, रेज। देखिए, मैं इन साउंड को एक एक अल्फाबेट को पढ़कर नहीं दिखा रही हूं, क्योंकि ये चीज, इन सब चीजों की वीडियो मैं पहले अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक एक वर्ड पढ़कर अच्छे से पढ़ाऊं, तो वो वीडियो मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है, आप जाके उन वीडियो को देखिए। मैंने सभी सभी साउंड्स की वीडियो अलग अलग पढ़ाते हुए, अच्छे से समझाते हुए डाली है। अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है तो आप उसमें जाकर दे सकते। अभी मैं सिर्फ डिक्टेशन बोल रही हूं, डिक्टेशन में मैं डायरेक्ट वर्ड पढ़ूंगी और आपको उनको सुनकर लिखना है। तो हम कहां थे? केज, पेज, रेज, बैंग, गैंग, टैंग, नेम और गेम। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे आती हूं। ये देखिए, नेक्स्ट हमारी जो लाइन है वो हमारी शुरू होती है कहां से? टेम से। चलिए, टेम, सेव, डेव, वेव, ब्रेव, हैंड। हैंड तक आ गई हूं मैं। हैंड के बाद है लैंड। एक मिनट में देख लेती हूं ताकि आपको प्रॉपर अच्छे से दिखे। लैंड, रैंड, केयर, डेयर, मेयर और नेक्स्ट हमारा है रैंक, फ्रैंक। ये हमारा रैंक था, ये हमारा फ्रैंक है। थर्ड लाइन में आती हूं मैं। थर्ड लाइन में देखिए, सबसे ऊपर हमारा लिखा हुआ है, ये देखिए थर्ड लाइन आ गई हमारी, ये वाली लेन, मेन, मिस। आपने देखे अभी तक ए के साउंड चल रहे थे, अब आई के साउंड आ चुके हैं। मिस, बिल, फिल, ड्रिल। इसके बाद है सिक, के बाद डिक, लिक, पिक। आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो एक जैसे वर्ड की डिक्टेशन एक साथ बोली हुई है। वो मैंने इसलिए बोली है ताकि बच्चा एक, अगर एक स्पेलिंग को ना पकड़ पाए तो वो दूसरी स्पेलिंग पकड़ के उस चीज को लिख ले। लिक, पिक, लाइव, डाइव, फाइव और नेक्स्ट हमारा है डाइस।
ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन में देखिए सबसे ऊपर क्या है हमारा, ये देखिए माइस, सबसे ऊपर है माइस, राइस, राइड, वाइड, साइड, किंग, रिंग, रिंग के बाद हमारा है विंग, विंग के बाद हमारा है बाइक, बाइक के बाद हमारा है माइक, माइक के बाद हमारा है हाइक, हाइक के बाद हमारा है पाइप, पाइप के बाद हमारा है राइप, और राइप के बाद हमारा है स्वाइप। एफ डब्ल्यू से स्व बनता है स्वाइप, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, पांचवी लाइन पे, काइट, बाइट, माइट, पिंक, लिंक, स्लिंक, ड्रिंक, रेन, मेन, गेन, ब्रेन और चेन। नेक्स्ट पन्ने पे मैं आती हूं, ये देखिए नेक्स्ट पे आ गई अब मैं, यहां पे देखिए न्यू, फ्यू, च्यू, व्यू, बेल, सेल, वेल, मैस, एम ई डबल एस जो होता है वो मैस बनता है, मैस, मैस, ड्रेस, ड्रेस के बाद देखिए प्रेस, प्रेस के बाद ब्लेस, ब्लेस के बाद ये ट्रेस था, ये प्रेस है, प्रेस, प्रेस, इसके बाद देखिए देयर, मेयर, लीक, क्या लिखा हुआ है, लीक। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, देखिए नेक्स्ट हमारी लाइन कहां से है, ये रहा बीक, बी ई ए के बीक, पीक, लीड, लीड के बाद देखिए रीड, टेंट, टेंट के बाद देखिए पेंट, रेंट, मीट, हीट, बीट, सीन, सीड, ये देखिए सीन, सीड, नीड, नीड के बाद हमारा है हॉर्न, क्या है, हॉर्न। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, नेक्स्ट लाइन हमारी है, हाँ देखिए नेक्स्ट लाइन हमारी है कॉर्न, बोल्ड, सोल्ड, फोल्ड, नोज, रोज, पोज, ग्लो, ग्लो के बाद देखिए ग्रो, ग्रो के बाद स्लो, स्लो के बाद क्रो, क्रो के बाद कोन, कोन के बाद टोन, टोन के बाद गोन, और गोन के बाद कॉक, क्या लिखा है, कॉक। तो देखिए इसमें ई के साउंड भी आ गए हैं और ओ के साउंड भी आ गए हैं, अब हम ओ के साउंड पे आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, सॉरी ये देखिए, ये देखिए लॉक, ब्लॉक, फ्रॉक, गाउन, ब्राउन, फ्राउन, रोड, बोट, कोल, गोल, सोप, हॉक, नॉक, इसमें के साइलेंट है, नॉक, रोप और मोप, ठीक है। अब लास्ट लाइन पे आते हैं, ये देखिए होप, जूम, कूल, पूल, रूम, स्टूल, डक, लक, सक, पुश, हुश, ब्रुश, ग्लू, ग्लू और रूल। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ये देखिए रूड, रूबी, बुल, फुल, मुल, बट, कट, मग, जग, टब, सब, चर्च, बेंच, चेयर और लास्ट हमारा है चॉकोलेट, क्या है हमारा, चॉकोलेट, दिख रहा है आपको,
देखिए मैं इस लाइन को दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ, शायद हो सकता है आपको सही से दिखा ना हो। एक तो चलिए एक बार मैं फिर से आपको ये दोबारा से बता देती हूँ। रूड, रूबी, बुल, फुल, मुल, बट के बाद है कट, मग, जग, टब, सब, चर्च, बेंच, चेयर और चॉकोलेट। क्या है? चॉकोलेट। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है टॉर्च, चिक, चिन, चेरी। देखिए यहाँ पे डबल आर है, थोड़ा सा ये मेरे से बनाने में वो हो गया था, ये आर है, डबल आर, ठीक है। तो ये हमारा है चेरी, पीच, क्या लिखा हुआ है, पीच, चीज, रिच, रिच, चेन, बिच, बिच के बाद कॉन्च, कॉन्च के बाद शीप, शीप के बाद शावर, शावर के बाद आपका है शर्ट, शर्ट के बाद आपका है शीट, और शीट के बाद आपका है शार्क, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन हमारी है ये रही, शॉप, शू, शेक, फिश, डिश, शेड, शब, शार्प, दिस, दैट, दीज, दोज, पाथ, अर्थ, माउथ और मदर, ठीक है। ये हमारा आ गया। नेक्स्ट हमारा है फादर, थीफ, थिंग, थंब, थॉर्न, थंडर, थ्रेड, क्लॉथ, क्लॉथ, थर्ड, वाइट, विसल, विसल यानी कि सीटी, सीटी बजाना, विसल, वाइल, सॉरी वेल, वाइल नहीं है ये, वेल है, डब्ल्यू एच ए एल ई, वेल, व्हील, वीट, वेयर और वाई, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। यहां कुछ वर्ड मैंने ऊपर भी लिखे हैं तो मैं आपको बता देती हूं, जूस, फ्रेंड, डिलीशियस, देखिए डिलीशियस, कॉशियस, मजीशियन, स्पेशल, एडमिशन, मशीन, एडमिशन, मशीन, स्टेशन, कोशेंट, अटेंशन, प्रीटी, नॉइजी, देखिए नॉइजी, वरी, लॉबी, लेडी, लेजी। आगे आते हैं, देखिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं, सूट, सूटकेस, और यहां पर ये लिखा हुआ है मैकेनिक, क्या लिखा है, मैकेनिक। आगे पढ़ते हैं, एंग्री, स्टोरी, डिक्की, स्टडी, चेयर, फेयरी, पेल, मेन, पेंट, ब्रेन, रेलवे, वर्ड, रेलवे, रेज, वर्ड, वर्ल्ड, और लास्ट हमारा है वंडर, दिख गया होगा आपको वंडर, ठीक है। अब आते हैं लास्ट लाइन पे, ये हमारी एकदम आखिरी लाइन है, इसके बाद हमारे ये 250 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे डिक्टेशन के। आपने इनको क्या करना है, सुनना है, पहले सुनकर लिखना है और फिर मैच करना है
कि आपकी स्पेलिंग ठीक है या नहीं। इससे आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक कुछ सीखा या नहीं सीखा। अगर आप सीख चुके हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर आपकी मिस्टेक आती हैं तो आप पिछली जो साउंड की वीडियो है उनको जाकर दोबारा से देखिए, दोबारा से उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनको लिखने की, बोलने की, पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए और फिर दोबारा ये डिक्टेशन की आप रिविजन कीजिए, ठीक है। वर्थ, वर्शिप, वॉल, वेंट, वॉन्ट, वॉर्म, वॉज, मॉस्किटो, बिल्ड, गेस्ट, गिटार, गिल्टी, बिस्कुट, बिस्कुट नहीं बोलते, बिस्किट बोलते, बिस्किट लिखते बिस्कुट है और बोलते बिस्किट है, गार्ड, टंग और फ्रूट्स। तो ये हमारे जो थे, ये हमारे कितने वर्ड थे, ये हमारे थे 250 वर्ड, मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो अब आपने क्या करना है, इनको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है और इन स्पेलिंग को अच्छे से लर्न करना है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। बाय बाय।